नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। बात करते हैं दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म के बारे में। सूर्यवंशी फिल्म वो फिल्म है दोस्तों जिसने की धमाल मचा रखा है सोशल मीडिया पर। आपको बताना चाहता हूँ, एक साल पहले ही जो है यानी कि 2019 के स्टार्टिंग में ही इसका पोस्टर रिलीज कर दिया गया था, इसकी डेट फिक्स कर दी गई थी और बहुत सारी चीजें इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। अब फाइनली वक्त आ गया है दोस्तों जब हम इसके ट्रेलर को एंजॉय करेंगे और प्लस इसके ट्रेलर में क्या पांच खास बातें होंगी इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब सूर्यवंशी का नाम आता है तो भाई हमारे जहन में अक्षय कुमार साहब की इमेज आ जाती है। खिलाड़ी कुमार वो एक्टर हैं दोस्तों जिन्होंने बॉलीवुड में फिटेस्ट अवतार का पहले मतलब यू नो फर्स्ट एक्शन हीरो जो कहते हैं वो खिलाड़ी कुमार को ही कहते हैं। और खिलाड़ी कुमार को आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम एक्शन में देखेंगे तो देखना दिलचस्प रहेगा। सो पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यही है ट्रेलर में कि खिलाड़ी कुमार का एक्शन हमें देखने को मिलेगा और दिल बाय गॉड मेरा गदगद हो जाएगा जब मैं खिलाड़ी कुमार को एक्शन करते हुए देखूंगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात जो हम ट्रेलर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों वो है ट्रेलर के डायलॉग्स। बताना चाहता हूं कि रोहित शेट्टी साहब आता माजी सेटकली ऐसा डायलॉग या फिर अगर आपको सिम्बा का डायलॉग होगा कि टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो जो मराठी में बोलता है सिम्बा। सो ये एक ऐसे कैची फ्रेजेस हैं जो कि रोहित शेट्टी साहब ने क्रिएट किए अपने यूनिवर्स में। तो भाई सूर्यवंशी को भी डेफिनेटली वो एक इस तरीके के डायलॉग्स तो देंगे ही देंगे दोस्तों। सो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि सूर्यवंशी को कैसा किस तरीके का एक तकिया कलाम दिया जाएगा रोहित शेट्टी के द्वारा। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है रोहित शेट्टी का डायरेक्शन। रोहित शेट्टी वो हैं दोस्तों जिन्होंने एक्शन फिल्मों को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। उनकी फिल्में ग्रेविटी को डिफाइन ही नहीं करती हैं, उनकी फिल्में जो हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती हैं। मतलब कारें हवा में इधर से उधर जो उछलती हैं बाप रे बाप देखकर हालत खराब हो जाती है। ऐसे में दोस्तों देखना ये दिलचस्प होगा कि रोहित शेट्टी इस बार एक्शन के मामले में क्या खास कर रहे हैं और जब एक्शन खिलाड़ी जो है यानी कि खिलाड़ी कुमार जब उनके साथ मिलेंगे तो वो क्या जादू करेंगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। चौथी मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि हम ट्रेलर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार आतंकवादी यानी कि टेररिज्म को कड़ी चुनौती देंगे हमारे एटीएस अधिकारी। खिलाड़ी कुमार इसमें दोस्तों एक एटीएस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं जो कि है वीर सूर्यवंशी जिनका नाम है। और प्लस आतंकवादी और पुलिस ऑफिसर्स के बीच की ये जो यू नो चूहे बिल्ली की दौड़ होगी, ये जो जिस तरीके की फाइटिंग होगी, जिस तरीके से वो टैकल करेंगे वो देखना बाय गॉड मजेदार रहेगा, दिलचस्प रहेगा। सो मैं तो उसका भी इंतजार कर रहा हूं। तो यानी कि चौथा इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कौन किस तरीके से जो है फिल्म के अंदर टेररिस्ट की भूमिका निभाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। पांचवी सबसे मेन और आखिरी इंपॉर्टेंट बात क्लाइमेक्स पोर्शन जिसमें सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी साथ आएंगे। क्या हमें टीजर में या ट्रेलर में जो आएगा दोस्तों अभी उसमें ये दिखाई देगा, क्या हमें ये चीजें दिखाई देंगी कि भाई किस तरीके से सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी एक साथ आएंगे। वेल आपको बता दूं तो तीनों ने एक साथ शूटिंग करी है और तीनों ने ही एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया था जिसमें कि तीनों खड़े थे गोल सर्कल बना के और तीनों ने मशीन गन और अलग अलग बंदूक हाथ में उठा रखी थी। सो ऐसे में देखना रियली दिलचस्प होगा कि ये तीनों जब क्लाइमेक्स पोर्शन में आएंगे और धमाका मचाएंगे। एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। So, मेरी तरफ से तो ये पांच इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि इस ट्रेलर में हमें दिखाई देंगी यानी कि वीर सूर्यवंशी का जब ट्रेलर आएगा तब। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या खास बातें होने वाली हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, बिंदास मुझे बताइए, डरिए नहीं और बने रहिए चैनल के साथ। राहुल भोज इसी तरीके की दिलचस्प और चटपटी बातें आप लोगों को बताता रहेगा।